हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वपन टेक्निकल पर। आज हम फोटोशॉप में टेक्स्ट पर ग्रेडियंट इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो बने रहिए एंड तक हमारी वीडियो में हमारे साथ। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से फोटोशॉप ऑन किया। ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से एक इमेज पहले से लेके रखी हुई एंड देन एक यहाँ से न्यू पेज लिया हुआ है। न्यू पेज लेने के बाद फ्रेंड्स आपने इस पे कलर अप्लाई करना है। आप यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो कंट्रोल या ऑल्ट बैकस्पेस के साथ। एंड इस पे टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना, कलर वाइट हो एंड देन यहाँ से टाइप कर देना। मैंने यहाँ से टेक्स्ट टाइप किया एंड कर्सर मूव टूल पे रखना। उसके बाद कंट्रोल टी से टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके कुछ इस तरह से आपने एडजस्ट कर देना है। मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखा एंड देन एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपने कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना लेनी है। अगेन इसकी नॉर्मल ओरिजिनल लेयर पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। अगेन कंट्रोल टी यूज करना, राइट क्लिक करके यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर देना है। अगेन इसे थोड़ा सा एंगल डाउन किया कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन यहाँ से राइट क्लिक करना एंड यहाँ से पर्सपेक्टिव ऑप्शन यूज करना एंड देन यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेना, एंटर करना। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे लेयर कॉपी पे राइट क्लिक डबल क्लिक करना है एंड यहाँ से इस पे स्ट्रोक देना। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी स्ट्रोक दे सकते हो कलर का। एंड यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने दिया। अगेन यहाँ से मैंने इस पे पैटर्न ओवरले यूज किया कुछ इस तरह से एंड देन ओके कर दिया। ओरिजिनल लेयर पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ से मास्क लेयर ऐड करना है एंड यहाँ से इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना। तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना, फोरग्राउंड कलर व्हाइट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए एंड देन यहाँ से ड्रैग कर दिया कुछ इस तरह से। एंड देन कुछ इस तरह से इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक इमेज मूव करनी है। इमेज मूव करने के लिए यहाँ से कोई भी इमेज आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ से एक इमेज ली हुई है एंड देन यहाँ से मैजिक वन टूल से मैंने इसकी कटिंग करी है। कंट्रोल शिफ्ट आई से इनवर्स सिलेक्शन कर लेना एंड देन यहाँ से कर्सर मूव टूल पे रख के एंड इसे मूव कर लेना है इस पे। एंड यहाँ से मूव किया, यहाँ से ऊपर किया एंड कंट्रोल टी से इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो हमारा इफेक्ट बनकर रेडी है। कैसा लगा इफेक्ट? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।